हाय दोस्तों, होली में दही बड़े खाने का अपना अलग ही मज़ा है। अगर आप भी रंगों के त्यौहार में अपनों को कुछ चटपटा खिलाना चाहते हैं तो इस दही बड़े की रेसिपी ज़रूर ट्राई कीजिए। तो चलिए देर न करते हुए इसे बनाना शुरू करते हैं। दही वड़ा बनाने के लिए हम सबसे पहले 1 कप उड़द और 3/4 कप मूंग दाल जो मैंने रात भर भिगो कर रखा था पीस लेंगे। अब इसमें नमक डालेंगे और चम्मच की मदद से फेंट लेंगे। इसे तब तक फेंटना है जब तक ये हल्का ना हो जाए और इसे चेक करने के लिए हम पानी में थोड़ा पेस्ट डालकर देखेंगे कि ये पानी में तैर रहा है कि नहीं। हमारा बैटर पानी में तैर रहा है, मतलब ये फ्राई करने के लिए रेडी है। अब हम एक बाउल में 1/2 टीस्पून लाल मिर्च पाउडर, काला नमक, 2 टेबलस्पून मीठी इमली की चटनी और पानी डालकर मिक्स करेंगे। वड़ा फ्राई करने के बाद हम वड़ा को इसी पानी में डालेंगे। चलिए अब हम वड़ा तल लेते हैं। इसके लिए हम हाथों में पानी लगाएंगे जिससे बैटर हमारे हाथों में ना चिपके। बैटर को वड़ा का शेप देंगे और गर्म तेल में डालकर गोल्डन ब्राउन होने तक तल लेंगे। वड़ा गोल्डन ब्राउन हो गया है। अब हम इसे तेल से निकालकर पानी में डालेंगे जिससे पानी का फ्लेवर वड़े में आ जाए। चलिए अब प्लेटिंग करते हैं। प्लेट में वड़ा लेंगे, इसके ऊपर दही डालेंगे। दही में मैंने चीनी डालकर मिक्स कर लिया है। अब इस पर जीरा पाउडर, काला नमक, इमली की मीठी चटनी और धनिया पत्ता डालेंगे। और ये लीजिए, हमारा दही वड़ा बनकर तैयार है। तो लग रहा है नहीं है टेस्टी? इसे आप भी बनाइए और कमेंट करके हमें जरूर बताइए कि कैसा बना।